सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की फिल्मों में हॉरर फिल्म्स की हमेशा से एक खास जगह रही है और हॉरर फिल्म्स देखने वालों की ऑडियंस की संख्या भी कोई कम नहीं है। बॉलीवुड की शुरुआत में हॉरर फिल्म्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 60s के आते आते कुछ अच्छे डायरेक्टर्स ने हॉरर फिल्म्स की तरफ रुख किया और कुछ अच्छी फिल्में बनाई, जैसे कि 1949 में रिलीज फिल्म महल, 1962 में रिलीज हुई थी 20 साल बाद, और उसके बाद कोहरा और गुमनाम जैसी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड में बनी जो आज भी लोगों को काफी पसंद आती हैं। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्मों से दूरी बनाते गए, लेकिन 80s में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने हॉरर फिल्मों को एक अलग पहचान दी। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। इसके बाद 80s में हॉरर फिल्मों को बनाने की जिम्मेदारी ले ली रामसे ब्रदर्स ने, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनकी एकाध दो फिल्में छोड़ के बाकी सारी फिल्में बी या फिर सी ग्रेड की हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इन फिल्मों को देखने की भी एक अलग ऑडियंस थी जो इन फिल्मों को बेहद पसंद किया करती थी। इसके बाद 90s आते आते भी बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का ग्रेड कोई खास नहीं बढ़ पाया। हालांकि महाकाल और रात जैसी कुछ डरावनी फिल्में बनी थी जो कि ए ग्रेड की थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी हॉरर फिल्मों के मामले में बॉलीवुड हॉलीवुड से काफी पीछे था। लेकिन इसके बाद बॉलीवुड में काफी सारी अच्छी हॉरर फिल्में बनी, लेकिन वो काफी अंडररेटेड थी, ज्यादा लोगों तक वो फिल्में पहुंच ही नहीं पाई। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ मोस्ट अंडररेटेड हॉरर फिल्में जो शायद आपने मिस कर दी हो। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिल्म वास्तु शास्त्र की, जो कि रिलीज हुई थी सन 2004 में। फिल्म के लीड रोल्स में थे सुष्मिता सेन, साउथ के एक्टर जेडी चक्रवर्ती, पीआर राय और राजपाल यादव। रो क्यों रही है? इससे पहले राम गोपाल वर्मा रात, भूत और डरना मना है जैसी बेहतरीन हॉरर फिल्में बना चुके थे, लेकिन एक अच्छी हॉरर फिल्म होने के बाद भी ये फिल्म उतना नहीं चल पाई। राम गोपाल वर्मा अपनी हॉरर फिल्मों में भूत को दिखाने से ज्यादा डर के माहौल को क्रिएट करने में विश्वास करते हैं, और इस फिल्म का भी बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्ले जबरदस्त है। कहानी है विराग राव और उसकी फैमिली की। ये फैमिली एक नया घर खरीदती है और दोनों वाइफ हस्बैंड क्योंकि वर्किंग थे तो दोनों अपने अपने कामों में मशरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान उनके बेटे पर नहीं जा पाता। बॉल हवा में रुक गई। सुनो, मरोगे। प्रॉब्लम शुरू होती है जब उनका 5-6 साल का बेटा कुछ अनजाने दोस्त बनाने शुरू कर देता है, लेकिन इसके बावजूद उसके मम्मी पापा का ध्यान उस पर नहीं जाता है। ये अनजान फ्रेंड कौन थे और आगे इस फैमिली के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आप एक बार फिल्म जरूर देखिएगा। फिल्म में कमाल का स्क्रीन प्ले है और साथ ही साथ कुछ खौफनाक सीन्स भी फिल्म में देखे जा सकते हैं। 2007 में रिलीज हुई थी अतुल कुलकर्णी, ऋतुपर्णा गुप्ता और अनुपम खेर की फिल्म गौरी द अनबॉर्न। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अक्कू अकबर ने, जिन्होंने बाद में इस फिल्म का मलयालम वर्जन भी बनाया जिसका नाम था कना कनमनी। कहानी शुरू होती है जब सुदीप और रोशनी अपनी 10 साल की बेटी को अपने खानदानी घर में लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उस घर में उनके आने से पहले ही कोई उनका इंतजार कर रहा है। वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उनकी समझ से परे होती है। उनके पास्ट में की गई कोई गलती प्रेजेंट में उनके सामने आ खड़ी होती है जो उनकी बेटी को अपना शिकार बनाती है। फिल्म का लेवल बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक अच्छी अंडररेटेड हॉरर बॉलीवुड फिल्म कह सकते हैं जिसे बहुत ज्यादा लोग नहीं देख पाए थे। फिल्म में कुछ अच्छे डरावने सीन भी हैं, हालांकि फिल्म कहीं कहीं स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सन 2010 में रिलीज फिल्म हेल्प की। फिल्म के लीड रोल्स में थे बॉबी देओल, मुक्ता गोडसे और श्रेयस तलपड़े। कोई ना कोई मकसद जरूर होता है।
की एक दुनिया है। कुछ अच्छे पॉपुलर फेसेस होने के बाद भी ये फिल्म उतना बिजनेस नहीं कर पाई। हालांकि फिल्म कोई खराब नहीं थी, एक अच्छी हॉरर फिल्मों में जो भी चीजें होनी चाहिए वो सब इस फिल्म में भी थी। फिल्म की कहानी है पिया की, जिसने की शादी की है एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर विक्की से। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पिया के पापा जो कि मॉरिशस में रहते हैं उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो वो अपने पापा को देखने के लिए अपने हस्बैंड के साथ मॉरिशस के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है उसे अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से उसे अभी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो आत्माएं चाहती हैं। पिया इज इन द फोर्थ स्टेज ऑफ पोजेशन। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उनका साथ देता है उनका एक दोस्त श्रेयस तलपड़े यानी कि आदित्य। ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जो फ्राइडे 13th को रिलीज हुई थी। फिल्म में मुग्धा गोडसे की बेहतरीन एक्टिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े का काम भी काफी अच्छा है। फिल्म के क्लाइमेक्स में श्रेयस तलपड़े और बेटर परफॉर्मेंस देते नजर आते हैं। फिल्म के ना चलने का एक रीजन ये भी था कि उस दिन मोस्ट एक्लेम्ड फिल्म पीपली लाइव भी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म पर लोगों का ध्यान नहीं जा सका। हमारे चारों वो भी हमारे साथ। 2010 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था फायर्ड। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे राहुल बोस और मिलित शाह। 12 मई सन 2010 को इस फिल्म को कांस में दिखाया गया था। इस फिल्म के प्रोमोस को इंडियन सेंसर बोर्ड ने ए ग्रेड दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में न्यूडिटी के साथ साथ काफी सारा वॉयलेंस भी है। इसी वजह से ये फिल्म आज तक भी रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म की कहानी है जॉय मित्तल की, जो कि एक कंपनी का सीईओ है और उसका एक इलीगल अफेयर भी है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले वो अपने सारे पेंडिंग काम निपटा के प्राउडली अपने पार्टनर्स के आगे जाना चाहता था, जिसके लिए वो ठीक एक रात पहले ऑफिस में रुक के अपना काम खत्म करने की सोचता है। लेकिन यहाँ रुकना उसके लिए जानलेवा साबित होता है। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पे अच्छा खासा काम किया गया है। राहुल बोस की जबरदस्त एक्टिंग इस फिल्म में देखी जा सकती है। उनका इस तरह का अवतार शायद ही आपने इससे पहले किसी फिल्म में देखा होगा। तेरह में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द राइस ऑफ ए जोम्बी। यूं तो जोम्बीज पर बॉलीवुड में कुछ खास फिल्में नहीं बन पाई हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ डिफरेंट थी जो ज्यादातर लोगों की नजर में नहीं आ सकी। फिल्म के लीड रोल्स में थे लिव कैनी, कृति कुल्हाड़ी और अश्विन मुश्रान। कहानी है वाइल्ड फोटोग्राफर नील की, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में निकल जाता है लैंसडाउन उत्तराखंड, जहां पर फोन के सिग्नल्स तक नहीं आते। वो वहां जाके एक टेंट में रहता है। तुम एक जगह होते ही नहीं हो। लेकिन अचानक से उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा लगने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अरे सर, ये आपके हाथ को क्या हो गया? ये फिल्म टेक्निकली बहुत डिफरेंट है, जिसमें कुछ वियर्ड कैमरा शॉट्स भी देखे जा सकते हैं। इसे एक प्योर कमर्शियल फिल्म तो नहीं कह सकते और फिल्म देखते हुए आपको सब्र बनाए रखने की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद इसे जॉम्बी फिल्म्स की तरफ एक अच्छा ट्राई कह सकते हैं। अब बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म की, जिसका सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग था और उसका नाम भी इंटरेस्टिंग है। 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था 6-5=0। ये एक कन्नड़ा फिल्म की रीमेक थी जिसका नाम भी सेम ही था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर हमें से भी किसको कुछ हुआ ना कुछ नहीं है पाजी। वो कन्नड़ा फिल्म भी हाईली इंस्पायर्ड थी 1999 में रिलीज इंडिपेंडेंट अमेरिकन फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से। फिल्म के लीड रोल्स में थे निहारिका रायजादा, प्रशांत गुप्ता और अश्रुत जैन। कहानी है छह दोस्तों की, जो कि निकलते हैं माउंटेन ट्रैकिंग पे और धीरे धीरे उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होने लगता है।
वो क्या था जिसका उन्हें एहसास होता है और वो चीज या फिर वो आत्मा उनका आगे क्या हश्र करती है, यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी हालांकि कॉमन सी है, लेकिन इस फिल्म के डरावने सीन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। 2017 में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द हाउस नेक्स्ट डोर। फिल्म के लीड रोल्स में थे सिद्धार्थ, एंड्रिया और अतुल कुलकर्णी। क्या तुम वापस अपने पुराने घर जाना चाहती? फिल्म का तेलुगु वर्जन गृहम नाम से है। फिल्म की कहानी एक चाइनीज परिवार की है जो कई साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इंडिया में रहा करता था। कुछ घटनाओं के बाद फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर एक न्यूली मैरिड कपल सिद्धार्थ और एंड्रिया अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसके बाद उनकी जान पहचान होती है उनके पड़ोसी से और धीरे धीरे उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। उनके पड़ोसी की एक टीनेजर बेटी है जेनिफर, जो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। लेकिन जेनिफर के साथ होने वाली घटनाएं सब कुछ बदल के रख देती है। फिल्म में कुछ बहुत अच्छे हॉरर सीन्स देखे जा सकते हैं, साथ ही साथ फिल्म का VFX भी काफी अच्छा है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और फॉली वर्क भी जबरदस्त है। अगर आप हॉरर फिल्म्स के फैन हैं तो इस फिल्म को आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इस एपिसोड की लास्ट हॉरर फिल्म पे, जिसका नाम है द फाइनल एग्जिट। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2017 में और फिल्म के लीड रोल्स में थे कुणाल रॉय कपूर, अर्चना शास्त्री और अनन्या सेन गुप्ता। फिल्म में दिखाया गया है कि कुणाल रॉय कपूर को अपने घर में कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं। हर पल उसे किसी के होने का एहसास होता है। तुझे कुछ दिखाना है, एक मिनट। कहाँ गया? अबे तू ना बाबा जी की बूटी थोड़ी कम लिया कर। इसके लिए वो साइकेट्रिस्ट से भी मिलता है, जिसका कहना है कि ये सिर्फ उसका वहम है। उसे घर में चीजें दिखाई देती है, इस बात को साबित करने के लिए वो उन पलों की तस्वीरें उतारना शुरू कर देता है और इसके बाद सिचुएशन बद से बदतर होने लगती है। कुणाल रॉय कपूर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखा जा सकता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग, ये तीनों चीजें इस फिल्म को एक परफेक्ट हॉरर फिल्म बनाती है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी अच्छी रेटिंग मिली थी, बावजूद इसके ये एक अंडररेटेड हॉरर फिल्म ही रह गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ बॉलीवुड की अंडररेटेड हॉरर फिल्में। हालांकि इस लिस्ट में कुछ और फिल्में भी आ सकती हैं, लेकिन ये एपिसोड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। इनमें से मैक्सिमम फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। इन सब में से आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है, अगर आपने देखी है तो, और आपके हिसाब से इस लिस्ट में और कौन सी हॉरर फिल्में होनी चाहिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आर्टिस्ट के बार बार रीटेक देने से परेशान होकर भीड़ में खड़ा जूनियर महमूद बोल उठा, इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है। ये सुनकर डायरेक्टर ने जूनियर महमूद को अपने पास बुलाया और ये लाइन्स उसे बोलने को कहा। जूनियर महमूद ने ये लाइन्स बहुत ही खूबसूरती के साथ बोला और उनकी फिल्मों में एक्टिंग की गाड़ी निकल पड़ी। गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना।